नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय कुमार उमराव, एसोसिएट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर, चौधरी शिवनाथ सिंह सांडे पीजी कॉलेज माछरा। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने शरद ऋतु के मौसमी फूलों के बारे में चर्चा की थी, क्योंकि शरद ऋतु में मौसमी फूलों की संख्या बहुत अधिक होती है, इसलिए हमने उनको दो पार्ट में परिचय कराने की कोशिश की। प्रथम पार्ट में हमने बहुत सारे फूलों के से परिचय कराया। आज दूसरे पार्ट में हम शेष बचे फूलों को के परिचय, कैसे उनको हम पहचानें, कैसे आइडेंटिफाई करें पत्ती से, फूल से, या उनका स्ट्रक्चर देख के, स्टेचर देख के, हाइट से, इत्यादि से हम कैसे परिचय करें या उनको कैसे पहचानें, इसके बारे में जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एनुअल्स या सीजनल्स मौसमी फूल वो होते हैं जो अपना जीवन चक्र एक वर्ष के अंदर बहुत से बहुत 6 महीने में ही पूरा कर लेते हैं। ऐसे फूलों को हम मौसमी फूल कहते हैं। ये हर्बेशियस नेचर के होते हैं, बहुत मुलायम होते हैं। विंटर सीजन जो एनुअल्स हैं, इनकी हम प्लेन्स में जो मैदानी क्षेत्र हैं यहाँ पे बीज की बुआई नर्सरी सितंबर में बोते हैं और उनकी ट्रांसप्लांटिंग अक्टूबर में करते हैं, जो नवंबर से मार्च तक पुष्पन देते हैं। जबकि पहाड़ी इलाकों में हम नर्सरी फरवरी मार्च में तैयार करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग मार्च अप्रैल में करते हैं और वो मार्च अप्रैल से लेके जून तक पुष्पन करते रहते हैं। तो इन्हीं में से जो कुछ शेष सीजनल्स बचे थे उनमें एक है लूपिन, जिसको हम गार्डन लूपिन के नाम से भी जानते हैं। इसको लूपिनस पॉलीफिलस कहते हैं। ये फैबेसी कुल का पौधा है। इसमें सफ़ेद, नीले, नारंगी, बैंगनी, गुलाबी इत्यादि रंगों के फूल आते हैं। ये मीडियम हाइट ग्रुप का पौधा है। ये क्यारियों में लगाने के लिए बहुत उपयुक्त पौधा है। इसके बीज बिटर होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, लेकिन इसका जो डिकॉक्शन है, काढ़ा है, इसको हम टॉनिक के रूप में उपयोग करते हैं। दूसरा है स्टॉक, जिसको हम होरी स्टॉक के नाम से जानते हैं। मैथियोला इनकाना इसका वानस्पतिक नाम है। ये सरसों कुल का पौधा है, ब्रेसिकेसी का। इसमें लाल, सफ़ेद, पीले, बैंगनी इत्यादि रंगों के फूल आते हैं। ये बॉर्डर क्यारियों में लगाने के लिए, गमलों में लगाने के लिए और कट फ्लावर के लिए बहुत उपयुक्त पुष्पी पौधा है। इसकी ऊंचाई 70 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक बढ़ जाती है, इसलिए इसे हम टाल ग्रुप में रखते हैं। इसके बीज जो हैं एफ्रोडिसियाक होते हैं, बिटर होते हैं, डायबिटिक होते हैं, एक्सपेक्टोरेंट होते हैं, स्टूमुलेंट होते हैं, और इनका जो इन्फ्यूजन है इसे हम कैंसर और एंटीडॉट के रूप में उपयोग करते हैं। अगर कोई कीड़ा काट लेता है तो उसको हम एंटीडॉट के रूप में भी इसके इन्फ्यूजन का उपयोग करते हैं। एक पौधा है मैट्रिकेरिया, जिसको हम चेमोमाइल या मेवीट के नाम से जानते हैं। इसका वानस्पतिक नाम है मैट्रिकेरिया रेटिकुलाटा। ये गेंदा कुल का पौधा है। इसमें हल्के पीले रंग के फूल या सफ़ेद रंग के फूल आते हैं और बीच में इस जो सफ़ेद रंग के फूल आते हैं उसमें बीच में जो डिस्क होती है वो पीले रंग की दिखाई देती है। इसकी ऊंचाई 15 से 30 सेंटीमीटर होती है। ये ड्वार्फ ग्रुप का पौधा है। इसको हम एजिंग के रूप में किनारी बनाने के लिए या क्यारियों में लगाने के लिए उपयोग करते हैं। इसका जो औषधीय उपयोग है, इसको हम दर्द में, पेट दर्द, डायरिया, डिस्पेप्सिया इत्यादि में इसका उपयोग करते हैं। आइस प्लांट को हम सी मेरीगोल्ड भी कहते हैं, सी फिग भी कहते हैं। सामान्यतः इसे हम मेजम ब्रायंथेमम इडुली के नाम से जानते हैं, जो इसका वानस्पतिक नाम है। ये जो ऐसे फैमिली का पौधा है। इसमें पिंक, वाइट, येलो रंग के फूल आते हैं। ये भी 15 से 30 सेंटीमीटर ऊंचाई तक बढ़ता है, यानी ड्वार्फ ग्रुप का पौधा है। ये एजिंग गमले में लगाने के लिए, हैंगिंग बास्केट के लिए और राकरी के लिए बहुत उपयुक्त पौधा है।
औषधि रूप से ये डिमल्सन, डायबिटिक, डिसेंट्री और लीवर और किडनी डिजीज के लिए बहुत उपयोगी है। मिमलस या मंकी फ्लावर, ये फ्राइमेसी फैमिली का पौधा है, मिमलस गुटेटस। इसमें पीले रंग के ना पिंक कलर के, जिसमें बीच में पिंक कलर के, पीले रंग के फूल में पिंक कलर के स्पॉट होते हैं। इस ये 20 से 3 सेंटीमीटर तक बढ़ता है। ये भी ड्वार्फ ग्रुप का पौधा है। ये किनारी बनाने के लिए, गमलों में लगाने के लिए, हैंगिंग बास्केट के लिए और राकरी के लिए उपयुक्त पौधा है। औषधि रूप से ये एस्ट्रिंजेंट और वल्नरेरी, इसका डिकॉक्शन हर्बल बाथ के रूप में, जिससे जो सीने में दर्द होता है या बैक सोरनेस होती है उसमें हर्बल बाथ कर के लिए इसका डिकॉक्शन उपयोग किया जाता है। पेंजी वन फूल, वायलट ट्राइकलर इसका वानस्पतिक नाम है। ये वायलोसी फैमिली का पौधा है। इसमें येलो, ब्लू, रेड, पर्पल, वायलेट, बाइकलर और तितली के आकार के फूल आते हैं। ऐसे लगता है बड़े सुंदर फूल होते हैं, जैसे तितली के, तितली दिखाई देती है। ये 25 से 30 सेंटीमीटर ऊंचाई तक बढ़ता है। इसको भी हम ड्वार्फ ग्रुप में रखते हैं, इसलिए इसे एजिंग के लिए, गमलों में लगाने के लिए और क्यारियों में लगाने के लिए पौधा बहुत उपयुक्त है। औषधि रूप से ये डायबिटिक होता है, रिमेटिज्म में उपयोग होता है, एपिलेप्सी में उपयोग होता है, एक्जिमा में उपयोग होता है और अन्य त्वचा की बीमारियों के लिए ये उपयोगी है। फ्लाक्स, फ्लाक्स डर्मंडाई इसका वानस्पतिक नाम है। पॉलीमोनियसी फैमिली का पौधा है। इसमें रेड, ब्लू, वाइट, पिंक, वायलेट, विभिन्न रंगों के फूल आते हैं। ये 30 से 50 सेंटीमीटर ऊंचाई तक बढ़ता है। इसको भी हम ड्वार्फ ग्रुप में ही रखते हैं। ये क्यारियों में लगाने के लिए, एजिंग पर्पज के लिए, राकरी के लिए, गमलों में लगाने के लिए, हैंगिंग बास्केट के लिए उपयुक्त पौधा है। इससे हर्बल टी बनती है जो लैक्जेटिव होती है, जो एक्जिमा में भी इसका उपयोग लाभप्रद होता है। साल्विया, साल्विया स्प्लेंडेंस इसका वानस्पतिक नाम है। लेमिएसी यानी तुलसी कुल का पौधा है। इसमें स्कारलेट, रेड, वाइट, पिंक कलर के पौधे फूल आते हैं। ये 45 से 60 सेंटीमीटर ऊंचाई तक बढ़ता है। इसको मीडियम हाइट ग्रुप में रखते हैं। ये छायादार स्थानों के लिए उपयुक्त है, गमलों के लिए बहुत उपयुक्त है, राखरी के लिए उपयुक्त है। ये अल्सर, गोट, रिमेटिज्म, इन्फ्लेमेशन, पैरालिसिस, डायरिया, हाइपरग्लाइसीमिया के लिए इसका औषधि रूप से उपयोग किया जाता है। सिनेरेरिया डस्टी मिलर, इसमें लौकी की तरह पत्ते वाला ये सिनेसियो कुरेंटस इसका वानस्पतिक नाम है। ये भी गेंदा कुल का पौधा है। इसमें नीले रंग के, पर्पल, सालमन, क्रिम्सन रंग के फूल आते हैं। 25 से 45 सेंटीमीटर ऊंचाई तक बढ़ता है, यानी मीडियम हाइट ग्रुप का पौधा है। ये भी छायादार स्थानों के लिए उपयुक्त है और गमलों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इसकी पत्तियाँ ऑप्थैल्मेटिक होती हैं, आँखों में, आँख आने पर इसका उपयोग किया जाता है और इसमें टॉक्सिक एल्कलाइड पाए जाते हैं। नास्टर्सियम, नास्टर्सियम सबने देखा होगा, ये फैलने वाला पौधा होता है। ट्रोपियोलम मैजस इसका वानस्पतिक नाम है। ट्रोपियोलोसी फैमिली का पौधा। इसमें येलो, ऑरेंज, रेड रंग के फूल आते हैं। इसमें ये 30 से 40 सेंटीमीटर ऊंचाई तक बढ़ता है। ये क्लाइंबर है, कई बार लता की तरह भी बढ़ता है, इसलिए हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत उपयुक्त है, स्क्रीनिंग पर्पज के लिए बहुत उपयुक्त है, पॉट्स, गमलों में लगाने के लिए और क्यारियों में लगाने के लिए हर तरह से उपयुक्त पौधा है। ये औषधि रूप से एक्सपेक्टोरेंट, डिसइंफेक्टेंट और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज रखता है। अफ्रीकन या मैक्सिकन मेरीगोल्ड, जिसको हम हजारा गेंदा कहते हैं, टैजेट्स इरेक्टा, एस्टेरेसी गेंदा कुल अलग ही फैमिली है, जानी पहचानी फैमिली है। इसमें पीले और नारंगी रंग के फूल आते हैं। ये 60 से 120 सेंटीमीटर ऊंचाई तक बढ़ता है। इसको हम मीडियम टू टाल, मीडियम में भी रख सकते हैं। कुछ पौधे कम ऊंचाई तक बढ़ते हैं, कुछ पौधे अगर उनको हम पिंचिंग ना करें तो ये ज़्यादा ऊंचाई तक बढ़ जाते हैं, वो टाल बन जाते हैं। ये क्यारियों में लगाने के लिए, गमलों में लगाने के लिए, कट फ्लावर के लिए और लूज फ्लावर के लिए बहुत उपयुक्त पौधे, पुष्पी पौधे हैं। ये लगभग हर सीजन में इन्हें हम उगा सकते हैं। ये गर्मी में भी कुछ बहुत फूल देते हैं। जाड़ा इसके लिए
जाड़े की ऋतु इसके लिए सबसे उपयुक्त होती है। इसकी दो वैरायटी पूसा नारंगी गेंदा और पूसा बसंती गेंदा बहुत ही प्रचलित हैं। इसको इसका औषधीय रूप से डाइजेस्टिव होती है, डायूरेटिक होती है, स्टोमेटिक होती है यानी पेट दर्द में, और एंटी रिमेटिज्म जो एंटी रिमेटिज्म के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। इसी की एक छोटी वैरायटी होती है फ्रेंच मेरीगोल्ड टाइजेस्ट पेटुला, इसमें भी कुछ अलग तरह के फूल आते हैं, पीले रंग के, ऑरेंज कलर के, और बीच में कापर या ब्राउन कलर के स्पॉट्स रहते हैं पेटल्स में, 25 से 50 सेंटीमीटर तक बढ़ता है ये मीडियम हाइट ग्रुप में। और कई बार इसके जो बहुत छोटी वैरायटीज हैं उसको हम ड्वार्फ ग्रुप में रखते हैं, ये बेडिंग के लिए, एजिंग पर्पज के लिए, गमलों में लगाने के लिए और खुले फूलों के लिए बहुत उपयुक्त है, माला बनाने के लिए, मंदिर में चढ़ाने के लिए, रंगोली बनाने के लिए, ऐसे कार्यों के लिए जो फूल यूज़ किए जाते हैं उनको हम लूज फ्लावर कहते हैं। औषधि रूप से ये एरोमेटिक होता है, डाइजेस्टिव होता है, डायूरेटिक होता है, सेडेटिव, एंटीफंगल, और इससे पेटुला ऑयल बनता है। क्लैरिकिया माउंटेन गार्लैंड, क्लैरिकिया इलिजेंस इसका वानस्पतिक नाम है, ओनागरेसी फैमिली का पौधा है। इसमें पिंक, रोज, सालमन, वाइट कलर के फूल आते हैं, 50 से 80 सेंटीमीटर तक ऊंचाई तक बढ़ता है ये। इसको हम टाल ग्रुप में रखते हैं, ये क्यारियों में लगाने के लिए, किनारी बनाने के लिए, गमलों में लगाने के लिए और राकरी में लगाने के लिए उपयुक्त पौधा है। औषधि रूप से इसको हम सर दर्द, पेट दर्द, सूजन, गाल ब्लैडर प्रॉब्लम, कफ, खांसी, फीवर इत्यादि में इसका उपयोग करते हैं। क्लियोम स्पाइडर फ्लावर या बी प्लांट, क्लियोम डिफ्यूजा, क्लियोमेसी फैमिली का पौधा है। इसमें सफ़ेद रंग के, पर्पल कलर के, पिंक कलर के फूल आते हैं, 80 से 160 सेंटीमीटर तक ये बढ़ जाता है। इसे हम टाल ग्रुप में रखते हैं, ये क्यारियों में लगाने के लिए, स्क्रीनिंग पर्पज के लिए और बॉर्डर या किनारे या बनाने के लिए ये उपयुक्त पौधा है। इसकी जड़ें बुखार में उपयोगी हैं, बिच्छू जब डंक मारती है तो इसकी जड़ों का लेप लगाने से जहर उतर जाता है। इसकी पत्तियों का लेप रिमेटिज्म और कान दर्द में लाभप्रद होता है। सनफ्लावर जिसको हम साधारणतः सूर्यमुखी के नाम से जानते हैं, हेलियंथस एनस, ये भी गेंदा कुल का पौधा है। इसमें ब्राइट येलो कलर के फूल आते हैं जिसमें बीच में जो डिस्क होती है वो ब्राउन कलर की होती है, बीज जैसे दिखते हैं, 60 से 150 सेंटीमीटर ऊंचाई तक बढ़ जाता है। टाल ग्रुप का पौधा है, ये भी बेडिंग और बॉर्डर और स्क्रीनिंग पर्पज के लिए उपयोगी है। इसकी पत्तियां एस्ट्रिंजेंट होती हैं, डायूरेटिक होती हैं, एक्सपेक्टोरेंट होती हैं, और अगर मकड़ी कहीं काट लेती है तो इसकी पत्तियों को का लेप लाभप्रद होता है। इससे इसका जो तेल होता है वो डायूरेटिक और कफनाशक होता है। हेलिक्राइजम स्ट्राइवा या इवा लास्टिंग फ्लावर, हेलिक्राइजम ब्रैक्टिएटम, ये भी गेंदा कुल का पौधा है। इसमें येलो, ऑरेंज, रेड, पिंक, वाइट इत्यादि कलर के फूल आते हैं, ये 60 से 90 सेंटीमीटर तक बढ़ता है। इसे हम टाल ग्रुप में रखते हैं, ये भी क्यारियों में लगाने के लिए, बॉर्डर में लगाने के लिए, गमलों में लगाने के लिए, और विशेष बात है कि ये ड्राई फ्लावर बनाने के लिए यानी फूल सुखा के रखने के लिए बहुत उपयोगी है। और ये जब फूल इसके सुखा के रखे, जिस तरह हम एक्रोक्लाइनम के फूल सुखा के रख लेते हैं, ऐसे हेलिक्राइजम के भी फूल सुखाने के लिए, ड्राई फ्लावर बनाने के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं। ये औषधि रूप से एंटी माइक्रोबियल होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंट्री बूसेज अगर कहीं खरोंच लग गई है उसके लिए उपयोगी है, स्टूमिलेंट होता है। मालुसेला बेल्स ऑफ आयरलैंड के नाम से इसे हम जानते हैं, मालुसेला लिविस लेमिएसी कुल का पौधा है। इसमें ये देखिए अलग तरह का ही पौधा दिखता है, जिसमें बेल शेप एक छोटी घंटी के आकार के फूल आते हैं जो हरे रंग के कैलिक्स होते हैं, इसके अंदर सफ़ेद रंग के छोटे फूल आते हैं, ये 60 से 80 सेंटीमीटर तक बढ़ जाता है। मीडियम हाइट ग्रुप का पौधा है, ये क्यारियों में लगाने के लिए, बॉर्डर में लगाने के लिए और सूखे पुष्प बनाने के लिए बहुत उपयोगी है। इस
से हम फ्लावर इसेंस बनाते हैं, कार्न पापी या फील्ड पापी, पपावर रोयास, पपावर एसी फैमिली का पौधा है। इसमें रेड व्हाइट पिंक ऑरेंज रंग के फूल आते हैं। इसमें ये भी 50 से 80 सेंटीमीटर ऊंचाई तक बढ़ता है। इसको हम मीडियम हाइट ग्रुप में रखते हैं। ये क्यारियों में लगाने के लिए बहुत उपयुक्त पौधा है। इससे हर्बल टी बनती है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, अगर कोई कफ है, नींद नहीं आती, दर्द है, तो ये इसका उपयोग लाभप्रद होता है। सेपोनेरिया सोपवर्ट कैरियोफिलेसी फैमिली का पौधा, सेपोनेरिया कैलेब्रिका इसका वानस्पतिक नाम है। इसमें व्हाइट पिंक येलो रंग के फूल आते हैं। 70 से 90 सेंटीमीटर तक ऊंचाई तक बढ़ जाता है। इसे टाल ग्रुप में रखते हैं। ये भी क्यारियों में लगाने के लिए बहुत उपयुक्त है। औषधि रूप से ये अल्टरेटिव होता है, एंटी स्क्रोप फुलेटिक होता है, कोलागोगो होता है, डिपुरेटिव होता है, डाइफोरेटिक, एक्सपेक्टोरेंट, परगेटिव और टॉनिक के रूप में ये उपयोगी है। टिथोनिया मैक्सिकन सनफ्लावर, सनफ्लावर की तरह ही इसमें फूल आते हैं। टिथोनिया सिनुएटम इसका वानस्पतिक नाम है। इसमें रेड ऑरेंज येलो रंग के फूल आते हैं। 80 से 150 सेंटीमीटर यानी लगभग 3 फीट से लेकर 5 फीट ऊंचाई तक बढ़ जाता है। इसको टाल ग्रुप में रखते हैं। ये बेडिंग बॉर्डर और स्क्रीनिंग पर्पज़ के लिए बहुत उपयुक्त है। औषधि रूप से मलेरिया, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, स्किन डिजीजेज, यूरिनरी ट्रैक डिजीजेज और ग्रैनुलोमा इत्यादि में उपयोगी है। आर्कटोटिस अफ्रीकन डेजी, आर्कटोटिस ग्रैंडिस इसका वानस्पतिक नाम है। ये गेंदा कुल का पौधा है। इसमें व्हाइट येलो ऑरेंज रंग के फूल आते हैं। ये 30 से 50 सेंटीमीटर यानी मीडियम हाइट ग्रुप का पौधा है। ये क्यारियों में लगाने के लिए और गमलों में लगाने के लिए बहुत उपयुक्त है। औषधि रूप से ये लेग्जेटिव होता है, एंथेलमेंटिक होता है, माइग्रेन में उपयोगी है, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, एंटी इन्फ्लेमेटरी के रूप में और एंटी माइक्रोबियल के रूप में इसका उपयोग बहुत लाभप्रद होता है। ब्रावेलिया सफायर फ्लावर, ब्रावेलिया डेमिसा ये मकोए कुल का पौधा है। इसमें सफ़ेद, नीले और नारंगी बैंगनी रंग के फूल आते हैं। इसमें 30 से 60 सेंटीमीटर ऊंचाई तक बढ़ता है। ये मीडियम हाइट ग्रुप का पौधा है। ये भी क्यारियों में लगाने के लिए, गमलों में लगाने के लिए बहुत उपयोगी है। इसका उपयोग दांत दर्द में बहुत लाभप्रद होता है। गैलाडिया ब्लैंकेट फ्लावर या फायर व्हील फ्लावर, गैलाडिया पुलचेला ये वर्षा ऋतु और शरद ऋतु में यानी और गर्मी ऋतु तीनों में हो जाता है। यानी साल भर ये लगभग फूल देता रहता है। ये भी गेंदा कुल का पौधा है। इसमें येलो ऑरेंज पर्पल कलर के फूल आते हैं। 30 से 50 सेंटीमीटर ऊंचाई तक बढ़ता है। मीडियम हाइट ग्रुप का पौधा है। ये क्यारियों में लगाने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इसकी जड़ों से हर्बल टी बनती है। ये इसका उपयोग गैस्ट्रो इंटेराइटिस, स्किन डिसऑर्डर और सोर आइज, आँखों में सूजन में इसका उपयोग लाभप्रद होता है। अगला पौधा है निमेसिया केप जेवेल्स, निमेसिया स्ट्रूमोसा ये स्क्लो फ्लोरियसी फैमिली का पौधा है। इसमें व्हाइट, येलो, ऑरेंज, रेड, पिंक कलर के फूल आते हैं। ये 20 से 40 सेंटीमीटर ऊंचाई तक बढ़ता है। ड्वार्फ ग्रुप का पौधा है। गमलों में लगाने के लिए बहुत उपयुक्त है, क्यारियों में लगाने के लिए उपयुक्त है। इसके कट फ्लावर भी बहुत अच्छे बनते हैं। इससे हम एजिंग भी कर सकते हैं। एजीरेटम फ्लास फ्लावर, एजीरेटम हस्टोनियनम ये भी गेंदा कुल का पौधा है। इसमें ब्लू, पर्पल, पिंक, व्हाइट इत्यादि रंगों के फूल आते हैं। ये 30 से 80 सेंटीमीटर ऊंचाई तक बढ़ता है यानी मीडियम हाइट ग्रुप का पौधा है। ये क्यारियों में लगाने के लिए और कट फ्लावर के लिए बहुत उपयोगी है। इसकी पत्तियाँ कटे फटे घावों में लगाने से राहत मिलती है। जिप्सोफिला चाक प्लांट या बेबीज ब्रीथ, जिप्सोफिला इलेजेंस इसका वनस्पतिक नाम है। कैरियोफिलेसी फैमिली का पौधा है। इसमें पिंक और वाइट कलर के फूल आते हैं। 50 से 80 सेंटीमीटर ऊंचाई तक बढ़ने वाला ये पौधा मीडियम हाइट ग्रुप में रखा जाता है। ये क्यारियों में लगाने के लिए, कट फ्लावर के लिए इत्यादि के लिए बहुत उपयोगी है। औषधि रूप से परगेटिव होता है और इसकी जड़ें स्पर्मिसाइडल होती हैं। इसमें एक सैपोनिन होता है ट्राइटरपिनोइड,
जो नुकसानदायक होता है। वर्बीना, वर्बेन के नाम से जानते हैं, वर्बीना हाइब्रिडा वानस्पतिक नाम है, वर्बिनेसी फैमिली का पौधा है। इसमें ब्लू, पर्पल, रेड, व्हाइट, पिंक इत्यादि रंगों के फूल आते हैं। 15 से 30 सेंटीमीटर ऊंचाई तक बढ़ने वाला ये पौधा ड्वार्फ ग्रुप में रखा जाता है। ये क्यारियों में लगाने के लिए, एजिंग किनारी बनाने के लिए और रॉक गार्डन के लिए बहुत उपयुक्त है। औषधि रूप से गले की सूजन, रेस्पिरेटरी डिजीजेज, अस्थमा, हुपिंग कप, चेस्ट पेन, एंजाइना इत्यादि में उपयोगी है। आर्नामेंटल कैबेज, फ्लावरिंग केल, ब्रैसिका ओलेरेसिया, जैसे पत्ता गोभी होती उसी की एक ये अलग वैरायटी है जो आर्नामेंटल के रूप में उगाई जाती है। इसको हम खाने में उपयोग नहीं करते। ये इसकी सुन इसे हम सुंदर पत्तियों के लिए उगाते हैं। 15 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई तक बढ़ जाता है। ये ड्वार्फ ग्रुप में रखते हैं क्यारियों में लगाने के लिए और गमलों में लगाने के लिए बहुत उपयुक्त है। इसकी पत्तियों को साधारणतः हम पत्ता गोभी की तरह नहीं खाते, फिर भी कहीं कहीं इसे हम फर्मेंट करके सुअर क्रैट नामक एक प्रोसेस प्रोडक्ट बनाते हैं जो हेल्थ के लिए उपयोगी है। थैंक यू। आशा है ये एपिसोड, ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।